मैं एडवोकेट संजीव कारकवाल अलवर से। यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है वो है यहाँ का अलवर का विकास। एनसीआर क्षेत्र में होने के बावजूद भी यहाँ एनसीआर का जो फायदा है यहाँ नहीं मिल पाया, ना तो पेट्रोल डीजल की कीमतें एनसीआर के मुताबिक है, ना ही इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, ना ऑफिस हैं सेंटर के आ पाए, और ना ही बहुत सारी परियोजनाएं जो आनी चाहिए थी। इसके अलावा मुख्य बात जो यहाँ की है वो है यहाँ जो पूर्वी नहर जो परियोजना थी जो पिछले 5 सालों से कांग्रेस की सरकार में अटकी रही, और वो अब आनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगी तब तक अलवर के अंदर इंडस्ट्रीज का और पेयजल समस्या जो है, पानी की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, दो दो तीन तीन दिन में कहीं जगह तो 5-5, 7-7 दिनों में पानी की सप्लाई हो रही है, तो ये भी है। और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ गोकशी की बहुत सारी मंडियाँ अभी देखने में आई है। इसके अलावा क्योंकि यूपी का भी बॉर्डर लगता है, दिल्ली का भी बॉर्डर लगता है, हरियाणा का बॉर्डर लगता है, और इन बॉर्डरों पर किसी जो चोर रास्ते हैं जिनके अवैध खनन के भी और बहुत सारे जो चोरी चकारी के लूटपाट के आए दिन जो गोलीबारी भी हो रही है, गैंगस्टर में भी आके यहाँ शरण ले रहे हैं, तो ये भी लॉ एंड ऑर्डर की भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है जिसको लेकर बहुत सारे काम करने हैं। एक जो और जो क्षेत्र हैं देश भर के उनको रेलवे से जोड़ने की जरूरत है, कि काफ़ी सारी ट्रेन्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पंजाब से और अलग अलग जगह हैं जहां और चलनी चाहिए, दिल्ली और जयपुर के मध्य में होने के बावजूद भी रेलवे का भी पूरा फायदा नहीं मिल पाया है। रेलवे का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा। देखिए विकास अहम मुद्दा है। बाबा बालकनाथ पिछली बार भी सांसद थे, उसके पिछली बार भी यहां से सांसद थे, इस बार विधानसभा चले गए, अलवर जिले में ही वो विधानसभा भी आती है तिजारा, तो फिर ये विकास में पिछड़ क्यों गया अलवर? सांसद यहीं से थे, ठीक है कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार है, तो क्या रह गया, क्या चीजें जरूरी थी जो होने? जहाँ तक बाबा बालकनाथ का वो है, बाबा बालकनाथ ने अलवर लोकसभा क्षेत्र में विकास के लिए कुछ नहीं किया, कोई योजना नहीं लाए, किसी प्रकार की योजना नहीं ली। बाबा बालकनाथ के समय के अंदर कोई विशेष परियोजना नहीं आई, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिली किसी भी तरीके से, और युवाओं को रोजगार का अवसर बिल्कुल नहीं मिला, बेरोजगारी बढ़ गई है। और जहाँ तक है अभी बीजेपी की जो सत्ता आई है इसमें गौ कसी के मामले अधिक बढ़ रहे हैं, किसी प्रकार की गौ कसी पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, अपराध अधिक से अधिक बढ़ रहे हैं, और आज जो जनता का मन है वो कांग्रेस के प्रति है, क्योंकि बाबा बालकनाथ को रोहतक से लाकर यहाँ चुनाव लड़ाया था। आज भूपेंद्र यादव यहाँ के लोकल नहीं है, बाहरी हैं, हमको ये भी पता नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं, और जो कांग्रेस पार्टी के ललित यादव जी हैं लोकल हैं, मुंडावर के हैं, और अलवर जिले में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले कैंडिडेट हैं, जनता के लोकप्रिय हैं, और हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे अलवर के अंदर या अपने राजस्थान के अंदर युवाओं को रोजगार मिले। और पिछले कई सालों से वकील लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मिनी सचिवालय अभी हमारा तैयार नहीं हुआ है, चैम्बरों का निर्माण नहीं हुआ है, बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, और सरकार ने इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाए, और ये सरकार भी अभी नई बनी है, इन्होंने भी कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और वकीलों ने कई बार हड़ताल भी की लेकिन इनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जहां तक वकील साहब का कहना है कि भाई हमारे अलवर जो है ये एनसीआर क्षेत्र में आता है, एनसीआर क्षेत्र के मुताबिक अलवर में ऐसा विकास नहीं हुआ, जैसे ये बड़ी बड़ी जो लंबी ट्रेन चलने वाली है यहाँ पर उनका स्टॉपेज नहीं है। और दूसरी चीज मैं शिक्षा के बारे में ये बात करूंगा कि अलवर में जितनी भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, इनमें प्रॉपर प्रोफेसरों की व्यवस्था नहीं है, गवर्नमेंट चिकित्सालय के अंदर यहाँ पर जांच की सुविधा नहीं है, जो गरीब आदमी है उनको बाहर से लोकल जांच करानी पड़ती है, प्राइवेट लेबों से बहुत अधिक खर्च आ रहा है, उनका इलाज कराने में वो सक्षम नहीं हो रहे हैं। तो इस नजरिए से हम जहां तक देखते हैं कि इस सरकार में उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है और विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और हमारे लोकतंत्र को खतरा है, और हमें लोकतंत्र को बचाने की बहुत आवश्यकता है। तो इससे खतरा है और कौन बचाएगा? इसे जनता को सही चुनाव करना होगा, सही कैंडिडेट का चुनाव करना होगा, जिससे विपक्ष मजबूत हो, तानाशाही शासन नहीं होना चाहिए। जहां आज हमारे देश में ईडी इनकम टैक्स का डर दिखाकर देश को लूटा जा रहा है, ये जो पैसा है जनता का पैसा है, बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा के रूप में कई हजार करोड़ रुपए में चंदा ले लिया है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, तानाशाही सरकार है, उनसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, अगर हिसाब की बात करते उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। जहां तक केजरीवाल की बात है, केजरीवाल आज दिल्ली में, इस देश के अंदर जो दिल्ली हमारे भारत का दिल है उसके अंदर आज की तारीख में एजुकेशन में, चिकित्सा में, सुविधा में, गरीबों के खाद्य पदार्थ में,
जो विकास हुआ है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। आज उस व्यक्ति को ईडी से डराकर, इनकम टैक्स डराकर और जेल के अंदर कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।